अगर जहांगीर ने उमर को डांटा या सख्ती की तो कभी सच नहीं बोलेगा वो। फिर मैंने तो उसे प्रॉमिस किया है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन से नए जाल बुन रही हो अब तुम? ये मेरा नहीं बल्कि आपका काम है। तुमने फिर कोई नई हरकत की है ना? मैं कोई हरकत ही नहीं करती हूँ, जो भी करती हैं आप ही करती हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर रात को जहांगीर का मूड क्यों खराब था? जहांगीर से पूछ ले आप। हाँ पूछ लूंगी मैं जहांगीर से। तुम मेरे बेटे को मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो, दूर रहो उससे। ये घूर क्या रही हो तुम मुझे? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। क्या समझती हैं आपको जहांगीर आपकी इस हरकत पे माफ कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि जहांगीर को तुम्हारी तो अब कोई परवाह नहीं रही है। तुम्हारी हैसियत जहांगीर की नजरों में इस घर में स्टोर में पड़े हुए फालतू सामान की तरह है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन अहम है और कौन नहीं। बहुत बेवकूफ हो तुम। जहांगीर ने तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम जहांगीर के सर का ताज बनने का ख्वाब देख रही। देखती रहो, वो दिन दूर नहीं जब जहांगीर खुद इस घर से तुम्हें धक्के देकर निकाल बाहर करेगा।